मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। हूँ विपिन। नया दिन, नई शुरुआत, और इस टाइम में उधमपुर शुरू करते हैं आज के ब्लॉग रोजी के साथ। और जो आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है, मेरे को जाना है बैंक में, बैंक के बाद जाना है मेरे को ड्यूटी पे, ड्यूटी के बाद सीधा भाई देखें कहीं पर घूमने का प्लान बनता है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर रोजी को हमने लेके जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि रोजी है हमारी बीमार, ये खाना नहीं खा रही है, खाना जबरदस्ती खा रही है, इसको हाथ से खिलाना पड़ता नहीं है, जैसे खुद खा जाती थी पहले वैसे नहीं खा रही है। डॉक्टर के पास लेके जाना है आज, और वो 2 बजे के बाद ही लेके जाएंगे, 2-2.5 बजे के बाद। तो आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको सब दिखाते रहेंगे। इसके नखरे ये लग गए, इसको मैंने अभी बाहर बांधा हुआ था, वहाँ से दरवाज़ा कर दिया बंद, और दरवाजे को जोर जोर से ठोकने लगी बाइक, मेरे को भी अंदर कर अपने साथ। अभी यहाँ पर बेड पर आके लेट गई मेरे साथ वैसे, अभी मैं नहाए नुए नहीं हूँ, अभी जाना है नहाने जाना है अभी, और आज जिसको मैंने लाएंगे पर पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके, क्योंकि डॉक्टर के पास रहना सबसे पहले। और डॉक्टर ने मना किया था कि अभी 1-2 दिन नहीं नहाना, क्योंकि इसको फीवर हुआ था, उसकी वजह से परसों ने लाई थी मैंने, शायद मेरे को लगता है उसी की वजह से इसको फीवर हो गया था। अभी नहलाएंगे इसको, ड्राई बाथ देते रहता हूँ इसको मैं, ड्राई बाथ से ये होता है कि साफ़ हो जाती है पूरी, इसे मर्जी चुका सकते हैं। तो कैसे सोई है मेरे पास, पता नहीं कौन दिख रहा है इसको, तो गाइस अभी हम कटिंग करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले दादी को बैंक में लेके गया था, फिर उसके बाद रोजी को दिखाया, इंजेक्शन लगाए उसको, 3 इंजेक्शन लगे उसको, तो ड्रिप लगनी थी, ड्रिप के लिए टाइम नहीं था, फिर ड्रिप मांग कर लगवा देंगे। तो अभी मैं और सचिन जा रहे हैं कटिंग करवाने, सचिन साथ में ही है, तो अभी मैं और सचिन साथ जा रहे हैं कटिंग करवाने। कटिंग करवाने के बाद ये है सामान, ये मेरे को आर्मी वालों को देना है, वहाँ पर पहुँचाना है, उसके बाद सीधा भाई हम निकलेंगे नहाने, फिर नहा नू के फिर वापस आएंगे घर पर। अभी कटिंग वटिंग हो गई हमारी, और अब निकल रहे हैं हम सीधा, कहाँ पे निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं अभी संसार पैलेस की ओर। सचिन के कैमरे का लेंस रह गया, वहाँ पे गया हुआ था ये, तो अब वहीं पे जा रहे हैं वो लेंस लाने, मिलता है कि नहीं मिलता पता नहीं, वहाँ पे देखेंगे ढूंढ के आ जाएंगे, और फिर उसके बाद सीधा निकलेंगे अपने काम के लिए, जहाँ पर हमने काम पर जाना है, सामान पकड़ा के रिपोर्ट साइन करवा के फिर सीधा हम वापस चले जाएँगे नहाने, नहा के फिर आएँगे वापस घर पर। भाई जहाँ पे हमने पहुँचना था हम पहुँच चुके हैं इस टाइम, और अब नीचे जा रहे हैं। पर क्या गर्मी है भाई, ताबड़तोड़, मेरे को लग रहा है इस वक्त 50 डिग्री से ऊपर ही टेम्परेचर है, जिस तरीके की यहाँ पे गर्मी है, और 2 मिनट नहीं बंदा धूप में खड़ा हो सकता, पर हम हैं ही धूप में तो क्या कर सकते हैं। एक्चुअली हमारा कोई मन नहीं था वैसे यहाँ पर आने का नहाने का, हमने कटिंग करवाई तो हमने सोचा यार चलो इसी बहाने कहीं ना कहीं नहा लेंगे और थोड़ा इंजॉय भी कर लेंगे। सचिन आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यार देखो ना उधमपुर वाले क्या कर रहे हैं, मतलब जो भी MLA मूल्य मेरे को नहीं पता क्या है, बट आपने देखा होगा जैसे वो अपना राज थिएटर के सामने वो छज्जियाँ सी बना रहे हैं, वो बनाने का क्या फ़ायदा, कम से कम एक स्विमिंग पूल बनाओ डंका थोड़ा गहरा था, ठीक है, उसमें ये होगा तुमको भी फायदा होगा हमको भी फायदा होगा, हमें नहाने में मजा आएगा। हाँ वैसे बट नहीं वैसा करना ही नहीं है, फिर बोलते हैं उधमपुर में टूरिस्ट नहीं आते, अबे क्यों आएंगे, तुम बनाओ ना पहले उधमपुर को। उधमपुर क्या कर रहा है देखो, युवा पीढ़ी क्या कर रही है देखो उधर देखो आप क्या कर रही है, मतलब खड्डों में नहा रही है, यहाँ से दिखेगी फिर मर जाते हैं, फिर बोलते हैं ओहो हमारी यार इतने नौजवान लड़का मर गया, ये मर गया, वो मर गया, अबे तुम डेवलपमेंट लाओ, स्विमिंग पूल बनाओ, पूल्स बनाओ, ठीक है, ताकि जो युवा पीढ़ी है वो इधर उधर ना जाए, बल्कि उनको पता है हाँ जी चलो वहाँ जाना है, तुम फीस रखो कोई बात नहीं यार, अभी हम इधर आए हैं मुफ्त में तो आए नहीं, 100 रुपए का तेल फूक के आया, तुम 50 रुपए रखो बंदा खुशी खुशी दे देगा, बट वैसा है ही नहीं, फिर बोलते हो तरक्की तरक्की तरक्की, इसकी बकचोदी ऐसी चलती रहेगी, हम चलते हैं नीचे, इसको तरक्की चाहिए। भाई साहब मेरे पास एक बिजनेस आइडिया आया है, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया आया है दिमाग में, समर में क्या कर सकते हो तुम,
ये बना लो, क्या बना लो, में क्या स्विमिंग में भी चलेगा, स्विमिंग पूल बना लो भाई कोई उधमपुर में, बहुत मजा आने वाला है। फिर चलो उधर ही चलते हैं। अब आज है दूसरे दिन और इस टाइम हम उनके रोजी को खाना खुना खिला दिया। अब इंजेक्शन लगा देते हैं क्योंकि खाना खा रही नहीं है बिल्कुल, इसको जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है, इसके मुंह में डालना पड़ता है। अभी इसको इंजेक्शन लगा लेते हैं। कुछ भी आया हुआ मेरे साथ तो नितिश कैमरा पकड़ेगा और मैं इसको इंजेक्शन लगाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो फिर रोजी को पकड़ेगा, कैमरा साइड पर रखेगा। चलो इसको लगाते हैं इंजेक्शन। ज़्यादा है इसका तो एक काम करता हूँ, इसको डोला दे देता हूँ हाफ, फिर उसके बाद सो जाएगी आराम से अभी, क्योंकि जो इंजेक्शन लगाए हैं ये थोड़े गर्म होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि नींद आती है। तो ये सो जाएगी अब थोड़ी देर तो हमें आराम होगा, फिर इसको लेके मिलते हैं हॉस्पिटल, ड्रिप वगैरह लगते हैं। हमारे घर पे इसको कोई नहीं मारता। रोजी, रोजी, तो गाइस रोजी को इंजेक्शन लगा दिया, अब ब्लॉक को करते हैं।